सीरियल पृथ्वीराज चौहान में अब तक पृथ्वीराज चौहान बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले रजत टोकस भले ही आजकल सीरियल्स की दुनिया से गायब हो गए हों, लेकिन वो दरअसल हैं बेहद व्यस्त अपने आने वाले सीरियल धर्मवीर की शूटिंग में जो चल रही है बड़ौदा में। लेकिन रजत के चाहने वालों को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि रजत फिर से लौट कर आ रहे हैं और बहुत जल्द ही रजत दिखेंगे एक और नए अवतार में। मुंबई में जब हमारी रजत से मुलाकात हुई तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। शायद अब वो चाहते हैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना। लाइफ आफ्टर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज एक शो था, मेरी एक जिंदगी का कोई ऐसा कोई खास फेस नहीं था जो मेरे को सफर करना था या फिर जो मेरे को बताना था, वो मेरा काम था। मैंने अपने काम को बखूबी अपने दिल लगा के मैंने निभाया। वैसे खबरों की माने तो रजत टोकस की प्रसिद्धि ने उन्हें बहुत बदल दिया है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शोहरत के मिलते ही आदमी बदल जाते हैं, और शायद दर्शकों का प्यार और हाल ही में मिले बेस्ट एक्टर के अवार्ड ने इस नन्हे से बच्चे को बना दिया है अपनी उम्र से कुछ बड़ा। मैं तो जैसे पहले था वैसे भी अभी। आप मेरा एक साल पुराना इंटरव्यू है, नवंबर में आए थे, आप वो उठा के देख लीजिए और अब देख लीजिए। बस मेरे बात करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि तब मैं थोड़ा छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या कहते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इंटरव्यू दिया था। अभी मेरे कहने में काफ़ी सटल तरीके से बोल रहा हूँ और काफ़ी मैं मैच्योर हो गया हूँ पहले से। तो बस बात करने के तरीके में, बाकी एटीट्यूड मेरा ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं पहले जैसा था, मैं अभी वैसा ही हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा। किसी को मुझे ऐसे पसंद करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। वैसे रजत इस हफ्ते नजर आएंगे बतौर मेहमान जज स्टार प्लस के रियलिटी शो छोटे उस्ताद में, और अगले साल उनका नया सीरियल धर्मवीर भी दर्शकों के सामने होगा। अब देखना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक किरदार से इतनी प्रसिद्धि पाकर क्या रजत टोकस अपना जादू बरकरार रख पाएंगे। मुंबई से सुशीला मौर्य के साथ अमित त्यागी, स्टार न्यूज मुंबई।